नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए नजर डालते हैं गांव और खेती किसानी से जुड़ी आज की सबसे बड़ी हेडलाइंस पर। फरवरी महीना बीतते ही किसानों ने धरना प्रदर्शन स्थल पर शुरू कर दी गर्मी की तैयारियां। झोपड़ियां बनाने के अलावा प्रदर्शन स्थल पर लगेंगे किसानों के लिए पंखे और रेफ्रिजरेटर। लाल व काले चावल की खेती के लिए मशहूर बालोद जिला जल्द ही शुरू करेगा हरे रंग के चावल की खेती। किसानों की आय बढ़ाने से लेकर ये चावल उन्हें बनाएगा आत्मनिर्भर। हाल ही में मन की बात में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख के किसान उर्गेन की तारीफ की। 18,000 फीट की ऊंचाई पर उर्गेन करते हैं जैविक सब्जियों की खेती। खबरों को विस्तार से भी बताएंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक ग्रीन टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें और साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ दोस्तों, ग्रीन टीवी के फेसबुक ग्रुप किसान के मन की बात से जुड़कर आप अपने मन की बात सीधे पहुंचा सकते हैं ग्रीन टीवी तक। लगभग 3 महीने से चल रहे किसान आंदोलन पर विराम कब तक लगेगा उसका मालूम नहीं। वहीं दूसरी ओर बारिश से लेकर पूरी सर्दी यूं ही रोड पर बिताने वाले किसान पूरी गर्मी रोड पर बैठने की तैयारी में लगे हैं। जहां एक तरफ इस बार गर्मी फरवरी महीने से ही अपने रंग दिखाने लगी है, तो वहीं किसानों के भी कपड़े बदलने लगे हैं। साथ ही किसानों ने गर्मी से बचने और सरकार से लड़ने के लिए अपना शेड्यूल भी अब बदलना शुरू कर दिया है, जिसके लिए टिकरी बॉर्डर पर किसान पुआल, घास फूस और बांस से बनी झोपड़ियां बनाने की तैयारी में है। किसानों का मानना है कि झोपड़ियों से गर्मी में उनको राहत मिलेगी। साथ ही साथ किसानों के लिए पंखे से लेकर पानी के लिए रेफ्रिजरेटर भी लगाया जाएगा। साथ ही साथ पंजाब हरियाणा एकता का लंगर चलाने वाले समूह के सदस्य प्रवीण ने बताया कि अब तक मसालेदार भोजन किसानों को परोसा जाता था, हालांकि अब गर्मियां शुरू होने को हैं तो इसमें भी अब बदलाव किया जाएगा। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने आने वाले 6 मार्च को ऐलान करते हुए कहा है कि हम सभी किसान इस दिन KMP रोड जाम करेंगे। देश में जहां एक तरफ कई किसान प्रगति की ओर अग्रसर हैं, वहीं कृषि प्रधान जिला बालोद आधुनिक कृषि क्षेत्र में हर दिन नया आयाम छू रहा है, जिसकी वजह है वहां उगने वाला काला और लाल चावल। दोनों चावलों की सफलता के बाद अब यहां का कृषि विभाग आने वाले दिनों में हरे चावल की खेती करने की तैयारी में लगा हुआ है, जिसके लिए कृषि विभाग ने लगभग तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। हालांकि अभी तक इस किस्म को किस ब्लॉक में शुरू किया जाएगा, वो किस जगह किया जाएगा, इसकी चयन अभी तक इसका नहीं हो पाया है। जिले के कृषि अधिकारी NK पांडे के मुताबिक चावल का जो बीज है वो धमतरी जिले के किसान और वहां के कृषि विभाग की टीम की तरह से उपलब्ध कराया जाएगा। संभावित इस खेती का जो ट्रायल है वो 4 एकड़ में किया जाएगा, फिर उसके बाद उत्पादित बीज से खेती शुरू की जाएगी और किसानों को चयन कर उन्हें ये बीज मुहैया कराया जाएगा। अब तक जिले में लाल और काले रंग के चावल किसान उगाते हैं, हालांकि अगर सब सफल रहा तो हरे रंग का चावल भी इसके बाद उगाया जाएगा। अक्सर जब हम कहीं घूमने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं शिमला मनाली की तरह ही लद्दाख भी लोगों के जहन में रहता है। हालांकि वहां के एक किसान उर्गेन फुनसोग इस समय सुर्खियों में बने हुए हैं, जिसकी वजह है उनके द्वारा की जाने वाली सब्जियों की जैविक खेती। हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात प्रोग्राम में उर्गेन की जैविक खेती की तारीफ भी की थी। 48 साल के उर्गेन अपने गाँव में 40 कनाल भूमि पर जैविक खेती कर सब्जियां उगाते हैं। 18,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद उर्गेन सब्जियों में हर एक किस्म की ऑर्गेनिक सब्जी उगाते हैं। वहीं जिस समय प्रधानमंत्री मोदी ने उर्गेन ऑर्गेनिक खेती के बारे में पूरे देश को बताया, उस समय उर्गेन हरियाणा में मौजूद केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म में भेड़ों, बकरियों और मुर्गियों के प्रबंधन सीखने आए हुए थे, ताकि आय को और बेहतर किया जा सके। बचपन में ही अपने पिता को खो चुके उर्गेन आज बिना रासायनिक का इस्तेमाल कई तरह की सब्जियां उगा रहे हैं, बिना किसी रासायनिक का इस्तेमाल करते हुए, जिससे वो अपनी जीविका चलाने के अलावा अच्छी कमाई भी कर लेते हैं। यही वजह है कि उर्गेन आज लद्दाख जैसे क्षेत्र में एक चर्चित किसान है।
तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।